माइक नंबर दो से भाई का सवाल। गुड इवनिंग सर, सो माय नेम इज स्वप्निल मयेकर। सो माय क्वेश्चन फॉर यू इज, यू सेड मीडिया इज बैड बट इट हैज टू साइड्स, सो हाउ कैन वी एज अ यूथ कैन इम्प्रूव इट? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, सो हाउ कैन आई एज अ कॉमन पर्सन इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन आर कंट्री? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया ख़राब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके, क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फौरन मीडिया सुधरेगा, चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मीडिया भी इंशाल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है, देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मजहब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे? जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर कीफ़ो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवा इम बैन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पर बात करना चाहिए, जो कुरान और दिगर मजाहब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे, जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मजहब में, ईसाई मजहब में, यहूद मजहब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में, जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।